कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक फंक्शन जो कि दिया हुआ है 1/3 - z, ये तो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो है f(z) = 1/3 - z। इस फंक्शन का हम लोग दो पॉइंट पर z = 0 और z = 1 पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे। तो हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन किस तरह का होता है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन पावर सीरीज के जैसा होता है, यानी वो जेड के पावर में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो आप डेरिवेटिव के फॉर्म में होता है और आप उसे कंप्यूट कर सकते हैं f(z) = summation n varies from 0 to infinity f nth derivative at a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल z माइनस a टू द पावर n। तो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग डेरिवेटिव का कैलकुलेशन करके, गिवन फंक्शन के जो डेरिवेटिव का कैलकुलेट करके ये कोफिशियंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये आपका z का पावर हुआ और ये उसका कोफिशियंट हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव का यूज ना करके एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़ा है। हम लोग जानते हैं कि 1/1 - r = 1+r + r² ……… तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, लेकिन ये हमेशा कन्वर्ज नहीं करता। इसके कन्वर्जेंट होने का एक कंडीशन है कि जो r की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, मॉड ऑफ r मस्ट बी लेस देन 1। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग इस फॉर्मूला से, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी मदद से हम लोग इसका टेलर सीरीज कंप्यूट करेंगे। तो टेलर सीरीज कंप्यूट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लें हमारा जो फंक्शन है f(z) = 1/3 - z, इसकी सिंगुलैरिटी कहाँ है। सिंगुलैरिटी मतलब फंक्शन कहाँ अनडिफाइंड है या डिफ्रेंसिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन रेशनल फंक्शन की तरह का है, PYQ के फॉर्म का है। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो होता है, यानी 3 - z = 0 होता है z = 3 पर। तो z = 3 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है और इसलिए इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी जो है z = 3 है। आप देख सकते हैं इसके अलावा फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह डिफरेंशियबल है, यानी इस पॉइंट को छोड़कर यह फंक्शन सभी जगह एनालिटिक है। तो हमारी सिंगुलर जो हम लोग पहला प्रॉब्लम जो z = 0 के लिए सॉल्व करेंगे, इस केस में हमारा जो सेंटर होगा यानी a जो होगा वो होगा z = 0। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हमारा सेंटर देखिए यहाँ पे है 0 पे और सिंगुलैरिटी कहाँ है, तो 1, 2, 3, यानी ये 3 रेडियस का जो सर्कल है इसमें फंक्शन पूरी तरह एनालिटिक है। और टेलर सीरीज थ्योरम कहता है कि जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक होता है, यानी उसके नेबरहुड में एनालिटिक होता है, तो ऐसा एक रेडियस मिलेगा, ऐसा एक रेडियस का बॉल मिलेगा जिसमें उस फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन जिसे टेलर सीरीज कहते हैं वो एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में 3 रेडियस का एक सर्कल होगा जिसमें कि इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए इसे हम फॉर्मूला से निकालते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके उस केस में भी ये निकलेगा आपको। तो आपका गिवन फंक्शन है f(z) = 1/3 - z। तो इसे इस तरह के फॉर्मूला में बनाने के लिए हमको देखिए क्या करना होगा, एक तरफ 1 होना चाहिए और दूसरी तरफ जिसका पावर आपको चाहिए। तो ये ऐसा करने के लिए हम लोग करेंगे इसे 3 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - z/3। और अब हम इस पार्ट को जो ऊपर हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे उससे एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 1 - सॉरी प्लस z/3
प्लस जेड स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। और आप देख सकते हैं ये कब कन्वर्ज करेगा, जब इसका मॉड जो है जेड माइन बाय थ्री का मॉड लेस देन वन हो, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड जेड लेस देन थ्री। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री में आया कि जो हमारा कन्वर्जेंस था वो तीन रेडियस में था, वो यहाँ भी जो कन्वर्जेंस है हमारा थ्री रेडियस का है इस फॉर्मूला। और इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देंगे, वन बाय थ्री पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया जेड बाय थ्री स्क्वायर, तीसरा टर्म हो गया जेड स्क्वायर बाय थ्री क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो द गिवन फंक्शन वन बाय थ्री माइनस जेड का जेड इक्वल टू जीरो पे, यहाँ देखिए सेंटर क्या है जीरो, इसलिए किस फॉर्म में आया जेड माइनस जीरो के फॉर्म में है ये। तो जेड इक्वल टू जीरो पे जो टेलर सीरीज आया वो ये है। ओके, तो पहला जो पार्ट है इस प्रॉब्लम का वो सॉल्व हो चुका है। अब हम इस प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट देखते हैं, जेड इक्वल टू वन। तो अगेन आप इस फिगर को ड्रॉ करें एक बार। तो फंक्शन की का जो सिंगुलैरिटी है वो तीन पर है और इस बार सेंटर वन यहां पे है, तो यहां से मिनिमम दूरी कहां पे सिंगुलैरिटी है टू पे। तो अब जो पावर सीरीज एक्सपेंशन होगा जो कि इस सर्कल पे होगा यहाँ पे, तो वो टू वन सेंटर होगा और टू रेडियस का सर्कल होगा, उससे बड़े पे पावर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन एनालिटिक जो सबसे बड़े बॉल पे है वो दो रेडियस का है। तो अब फिर से देखते हैं हम लोग ये जो सेकेंड पार्ट है, तो एफ जेड बराबर क्या हो गया वन बाय थ्री माइनस जेड। अब हमारा सेंटर वन है तो हमें z माइनस वन का पावर चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे वन बाय, यहाँ पे करेंगे हम लोग z माइनस वन और जो बचेगा उसे हम इधर लिखेंगे, तो इसे माइनस लिख लीजिए, तो ये प्लस वन हो गया, तो ये आपको बचेगा इधर टू। ओके, और अब हम लोग टू कॉमन ले लेंगे, तो जब हम टू कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वन बाय वन माइनस जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अब हम यहाँ पे ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया वन बाय टू, ये हो गया वन प्लस जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, अगला हो गया जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और कन्वर्जेंस की क्या कंडीशन हो गई, तो जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय टू लेस देन वन, दिस इम्प्लाइज दैट z माइनस वन का जो मॉड होगा वो लेस देन टू हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो रेडियस हमारा यहाँ पे टू आया है यहाँ पर, सेम रेडियस हमारे अलजेब्रिक फॉर्मूला में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे पावर सीरीज के जैसे, तो इसका कॉन्स्टेंट टर्म हो गया वन बाई टू प्लस जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू क्यूब और डॉट 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 इस तरह। तो इस तरह हम लोग गिवेन फंक्शन का पावर सीरीज निकाल सकते हैं अलग अलग पॉइंट पर। और आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ फिगर को ड्रॉ करके हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बता सकते हैं। अगर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हो तो आप सिंपली पिक्चर ड्रॉ करके सिंगुलैरिटी को ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं कि सेंटर से जो क्लोजेस्ट सिंगुलैरिटी कहाँ है, किस रेडियस पे, उसी रेडियस में आपका पावर सीरीज जो है कन्वर्ज करेगा। थैंक यू वेरी मच।